हम बना रहे हैं पोटैटो 65। सबसे पहले हमने रिफाइंड गरम कर लिया और इसमें आधा चम्मच जीरा डाला। जीरा डालने के बाद इसमें हमने डाली प्याज। ये सब हल्की आंच में बनाना है। प्याज डालकर एक दो बार चला लें और लगातार चलाते रहें। जब ये प्याज मुलायम हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। इसमें डालते हैं हम शिमला मिर्च जो कि मैंने बड़े बड़े पीसेस काटे हैं। इसको भी दो तीन बार चलाने के बाद अब हम डाल देते हैं इसमें ये छोटे वाले आलू है ये मेरे पास, ये डाल दिए। एक कटोरी छोटे आलू डाल, इसको भी चला लेते हैं। ये आलू मैंने पहले हाफ बॉईल कर लिए थे जिससे कि ये इसमें फूटे ना और ज़्यादा देर हमें इसमें फ्राई ना करना पड़े। और ज़्यादा बॉईल करेंगे तो फूट जाएंगे, कम बॉईल करेंगे तो कच्चे रह जाएंगे। इसमें मैंने ये ग्रेटेड हरी मिर्च डाल दी। एक कटोरी मेरे पास बॉइल्ड मटर है, ये डाल दी। और एक कटोरी ये मेरे पास स्वीट कॉर्न। ये सब मिलाने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे मसाले। सबसे पहले मैं डालूंगा इसमें टमाटर का पाउडर 2 चम्मच। दो चम्मच मैं डाल रहा हूँ इसमें गार्लिक और जिंजर का पाउडर। एक चम्मच डाल रहा हूं मैं इसमें पिसा हुआ धनिया। एक चम्मच गरम मसाला। चटपटे बनाने के लिए आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसको हम चला लेते हैं। इसको हमने गैस पे तब तक रखना है जब तक ये एकदम ड्राई ना हो जाए। इसमें डाला मैंने 1 चम्मच नमक।
अब इसमें एंड में हम डालेंगे ये नींबू वाली प्याज, इससे थोड़ा इसमें टेस्ट में ट्विस्ट आ जाएगा। ध्यान रहे इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, फ्राई करेंगे ज़्यादा तो मसाले जल जाएंगे। और ये रेडी टू सर्व है, इसको मैं सर्व करता हूँ। ये हमारा पोटैटो 65, इसके इंग्रेडिएंट्स याद रखिए और सर्व करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा